नमस्कार किसान भाइयों, आज हम महोवा गांव में हैं और अभी इस समय किसानों के खेतों में जो है गन्ना के ऊपर से पत्तियां सूखना दिखाई दे रहा है, जिससे किसान बहुत परेशान हैं और व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ रहे हैं, फ़ोन भी आ रहे हैं कि हमारा गन्ना बहुत सूख रहा है और इसका हम क्या उपाय करें कि किस तरह से बच सकें। तो किसान भाइयों को मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि ये जो सूख रहा है ये अधिक तापमान और लू चलने की वजह से सूख रहा है। इसमें कोई रोग नहीं है, कोई इसका हानि नहीं है, लेकिन इसका बचाव कर सकते हैं। इसका बचाव कैसे कर सकते हैं कि इसमें नमी बना के रखें। दूसरा जो है सबसे मुख्य जो बचाव के लिए है वो है पोटाश, पोटाश का स्प्रे हो, पोटेशियम का। तो उस समय हम लोग स्प्रे का कार्यक्रम चला रहे हैं फैक्ट्री द्वारा, NPK का स्प्रे हो रहा है 52-34। तो ऐसे सिंचाई किए हुए गन्नों में यूरिया जो दानेदार है वो ना डाल के स्प्रे में जो है NPK के साथ में ये आप जो है नैनो यूरिया का स्प्रे कर लें, तो इससे जो है ये सूखा जो हो रहा है वो सूखा सहने की क्षमता बढ़ जाएगी और ये पत्तियों पे जो प्रभाव है ये दिखना कम हो जाएगा, क्योंकि जो नैनो यूरिया है वो 2 से 3 दिन के अंदर पत्तियों में अवशोषित कर लिया जाएगा, पत्तियों के अंदर काम शुरू हो जाएगा। और अगर हम दानेदार डालते हैं तो उससे क्या है वो नमी को खींचता है, तापमान बढ़ जाता है, जिससे दिक्कत होती है। और NPK क्या है, NPK जो 52-34 है उसमें 52% जो है आपका फास्फोरस है और 34% पोटाश की मात्रा है, पोटेशियम की मात्रा, जो कि पत्तियों में और पौधों में जो है वो काम करता है श्वसन क्रिया का, और जिससे कि वो तापमान से बचाता है, रोगों से लड़ने की क्षमता बचाता करता है, सूखा सहने की क्षमता बढ़ा देता है। तो उससे जो है ये गर्मी की जो असर पड़ रहा है, लू का असर पड़ रहा है, वो कम हो जाएगा। तो जो किसान भाई और भी हैं इस समय अभी स्प्रे का कार्यक्रम सब जगह चल रहा है हमारे क्षेत्र में, उनसे आप बात कर लें, उस टीम से बात कर लें और अपना जो है जल्द से जल्द जो है उस पर स्प्रे छिड़काव जरूर करा लें। धन्यवाद।